मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं गुरुवार यानी कि 3 सितंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रयास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द है जिसमें पांच अंग होते हैं और वो पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र का होना अति आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गुरुवार यानी कि 3 सितंबर 2020 के इन्हीं सभी चीज़ों की संपूर्ण और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण पंचांग के वीडियो का लाभ उठावें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में यानी कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो जोर लिखें। आज का पंचांग बताना आरंभ करो। उससे पहले शुभकामना उन लोगों को जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए आज के दिन की मंगलमय होने की भगवान गणेश से कामना करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं गुरुवार 3 सितंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। आज है विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, कली संवत 5122, माह रहने वाला अश्विन और पक्ष रहने वाला कृष्ण, ऋतु शरद ऋतु रहने वाली है, तिथि रहने वाली है प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि आज दिन के 12:28 तक रहने वाला है, उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहेगा पूर्व भाद्रपदा। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज रात के 8:51 तक रहने वाला है, उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आरंभ करण रहने वाला है कौलव। कौलव करण आज दिन के 12:28 तक रहेगा, उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा जो कि रात के 1:24 तक रहने वाला है। योग रहने वाला है घृति। घृति योग आज दिन के 1:18 तक रहने वाला है, उसके बाद सूल योग आरंभ हो जाएगा। दिशासूल आज दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा बिल्कुल भी ना करें। शुभ खाद्य आज का जीरा रहने वाला है, जीरे का 1-2 दाना खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। चंद्रराशि आज कुंभ रहने वाली है। कुंभ राशि में चंद्रमा आज दिन के 2:14 तक रहने वाला है, उसके बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। सूर्योदय और चंद्रोदय की अगर बात करें तो सूर्योदय होगा सुबह के 6 बजे और सूर्यास्त होने वाला है शाम के 6:39 पर। चंद्रोदय होगा शाम के 7:37 पर और चंद्रयास्त होगा सुबह के 6:44 पर। आज की शुभ चौघड़िया को आप जान लेते हैं। तो आज का शुभ समय रहने वाला है सुबह के 6 बजे से लेकर 7:35 तक और आज का चार समय रहने वाला है दिन के 10:45 से लेकर दिन के 12:20 तक और आज का लाभ समय दिन के 12:20 से लेकर 1:55 तक रहने वाला है और आज का अमृत समय रहने वाला है दिन के 1:55 से लेकर 3:29 तक। आज के राहुकाल और गुलिकाल की स्थिति को अब जान लेते हैं। तो आज का राहुकाल रहने वाला है दिन के 1:55 से लेकर 3:29 तक और आज का गुलिकाल रहने वाला है सुबह के 9:10 से लेकर सुबह के 10:45 तक। राहु काल में कोई भी नया कार्य आरंभ भूलकर भी ना करें और गुरु काल में आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। एक अन्य शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं हम। तो अभिजीत मुहूर्त रहने वाले दिन के 11:54 से लेकर 12:45 तक। आज का विजय मुहूर्त रहने वाला है दिन के 2:27 से लेकर 3:18 तक। गोधली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 6:31 से लेकर शाम के 6:54 तक। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।